अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नताज़ किचन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं इंडियन टी। इसके लिए हम अदरक का एक पीस ले लेंगे, चार छोटी इलायची और एक दालचीनी। सबसे पहले अदरक और जो छोटी इलायची है उसको आप डाल लें कुंडी के अंदर और इसको आप पीस लें अच्छी तरह से। क्या आप ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं, लेकिन ग्राइंडर में इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आएगा। तो अगर आप ये हाथ से पीसेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। इसे आपने बस अच्छी तरह से पीस लेना। ये देखिए जी, यहाँ पर ये बड़ा ज़बरदस्त तरीके से पिस चुकी है, बिल्कुल बारीक हो गई है। बस इस तरह की फॉर्म में आपने इसको ले आना है। उसके बाद आप एक सॉस पैन के अंदर हाफ कप पानी डालेंगे और जब पानी पकने लग जाए तो उसके अंदर जो आपने पीसी थी इलायची और उसके साथ अदरक वो आप डाल देंगे। ये डालकर आप 1 से 2 मिनट पकाएंगे और उसके साथ ही आप इसमें दालचीनी का एक पीस डाल देंगे, बड़े वाला। ये डाल के तकरीबन आपने 5 मिनट के लिए इसको पकने देना है। जब ये 5 मिनट पानी के अंदर पक जाए तो आप इसके अंदर हम चाय की पत्ती डालेंगे, वो हम 1 टीस्पून डालेंगे। अगर कोई बहुत ज़्यादा कड़क चाय पीता है या उसको ज़्यादा पत्ती पसंद है तो आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन 1 कप में 1 चाय की चम्मच बहुत होती है। तो बस ये डालकर आप इसको 3 से 4 मिनट मज़ीद पका लें और 3 से 4 मिनट पकाने के बाद फिर आप इसको 5 मिनट के लिए तकरीबन दम दे देंगे। बिल्कुल दम वाली जो आग होती है उस पर रख दें। 5 मिनट के बाद ये इसका कलर कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसको ये दम पे पकाना बहुत ज़रूरी है, इसी से इसका टेस्ट आएगा। इसके बाद इसमें आप 1 कप दूध डाल दें। बस दूध डालने के बाद अब आपने इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट पकाना है, क्योंकि इसमें आपने पहले जो 1/2 कप पानी का डाला था और अभी 1 कप दूध डाला है, तो आपने इतना पकाना है कि ये 1 कप रह जाए। तो तकरीबन 5 से 7 मिनट इसे हम पकाएंगे। 5 से 7 मिनट जब आप इसको पका के पियेंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा और अदरक का बड़ा रिच टेस्ट इसके अंदर आएगा। अगर आप जल्दी उतार लेंगे तो वो आपको बिल्कुल कच्चा कच्चा फील होगा, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसको जितना पका सकें इसको हल्की आग पर पकाएं, ताकि सारे जो फ्लेवर्स हैं वो इसके अंदर बड़े अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। और इस चाय का एक ये फ़ायदा भी है कि जैसे विंटर का सीज़न आ रहा है तो ये आपको कहीं बॉडी में पेन हो रही है या आप सुस्त महसूस कर रहे हैं ख़ुद को, तो ये चाय आपको बड़ा एक्टिव कर देती है। तो बस ये यहाँ पर 5 से 7 मिनट जो है ये चाय इस तरह से पकती रहेगी। 1 उबाला आ जाए तो उसके बाद आप उसको हल्की आग पर करके पकने दें। यहाँ पर अगर आपको लगे कि पत्ती कम है, चाय का कलर लाइट है, तो आप मज़ीद पत्ती ऐड कर सकते हैं। ये देखें जी, ये बड़ा प्यारा कलर 5 मिनट के बाद चाय का हो गया। तो बस अब आप इसको चूल्हे को बंद कर लें और अब हम इसको निकाल लेते हैं कप में। बस ये गरम गरम पिएं और सर्दियों में ये आपको बहुत अच्छी लगेगी चाय। इसको पीने के बाद आपको बहुत एनर्जी फील होगी। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चाय तैयार हो गई है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ अपनी फ़ीडबैक शेयर कीजिएगा कि आपको ये चाय कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।